नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ ओनिका महेश्वरी। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में स्थित सब्जी मंडी और अनाज मंडी के रास्ते पर नगर निगम के सफाई अभियान की पोल खुलती दिखाई दे रही है। जब हमने यहाँ के स्थानीय निवासियों से बातचीत की तो पता चला कि कई सालों से ये गंदगी का ढेर यूं ही लगा हुआ है। यहाँ पर सब्जी मंडी और अनाज मंडी नजदीक है, ये मेन सड़क है जहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। इस गंदगी के अंबार में हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार हमने नगर निगम में इसकी शिकायत दी है, लेकिन अधिकारियों के कान पर कोई जून नहीं रेंगती और ग्रीवेंस कमेटी में भी इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। यहाँ गंदगी का ढेर जमा होने से लोगों को अपने मकान तक बेचने पड़े और लोग कहीं और जाकर बस गए। वहीं इस गंदगी के ढेर से बदबू लगातार आती रहती है और बीमारी फैलने का डर बना रहता है। इन सारी खामियों को लेकर आज यहां के स्थानीयों ने प्रदर्शन किया और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मेरा नाम सिकंदर कुमार शर्मा है। परेशानी यह है जी कि वार्ड नंबर 43 में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। ये हाईवे से आता हुआ रोड है, जो कि हाईवे यहाँ से 50 मीटर की दूर है और कॉलोनी लगभग 100 मीटर की दूरी पर है, और बीच में ये कूड़े का अंबार लगा हुआ है जहाँ से निकलने वाले इसकी बदबू से, गंदगी से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। ये मुकेश कॉलोनी का रोड है, मुकेश कॉलोनी सब्जी मंडी अनाज मंडी और हाईवे से कनेक्टेड मेन रोड है। ये कोई नहीं सुनता, नगर निगम में भी कई बार कंप्लेंट की जा चुकी है। ये मैटर ग्रीवेंस कमेटी तक भी जा चुका है और ग्रीवेंस कमेटी में जाने के बाद भी इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक बार आते हैं, उसके बाद में बस अपनी खाना पूर्ति की, उसके बाद फिर शुरू हो जाता है कूड़ा वापस। आम परमानेंटली हटे, आमजन की सुविधा के लिए चुने जाते हैं पार्षद, एमएलए, मंत्री। यहाँ तो ये मंत्रियों का वह शहर है। मेरा नाम मनीष शर्मा है। प्रदर्शन इसीलिए किया जी, यहाँ बहुत ज़्यादा कूड़ा और नई नई बीमारियाँ फैल रही हैं इस कूड़े की वजह से। ये पूरे बल्लभगढ़ शहर का मेन रास्ता है, ये जो हाईवे को कनेक्ट करता है। लाखों लोग यहाँ से रोज निकलते हैं, सारे लोग इतने परेशान हैं। पानी जब बारिश हो जाती है तो यहाँ बहुत सारी मोटरसाइकिलें इसमें गिरती हैं जा जाके, तो बहुत लोग परेशान हैं। यहाँ नई नई बीमारियाँ फैल रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है लोगों को। बहुत बदबू, कोई सुनने वाला है नहीं जी। काफ़ी बारी कंप्लेंट कर चुके, कोई सुनता नहीं। इसके लिए तो परमानेंट इसका सॉल्यूशन बनाए सरकार। यहाँ से मंत्री भी हैं, सारी चीज़ें हैं, सब बहुत जगह कंप्लेंट करी है, पार्षदों को कंप्लेंट करी है, कोई सुनने वाला नहीं है जी। ये काफ़ी साल से चल रहा है जी। हाँ, काफ़ी बारी शिकायत लगा चुके, कोई सुनने वाला नहीं है जी इसकी। मेरा नाम लक्ष्मी भाटी है। दिक्कत इतनी है कि यहाँ जानवर हैं जो बिजार हैं, जात जो लड़ाई है, हम हर बार लड़ते रहते हैं। गंदगी की वजह से बड़े बिजार हैं, हादसे होते हैं, डेली एक्सीडेंट होते हैं। ये यहाँ से हटाया जाए यहाँ से, बिल्कुल जो या तो टैल बिछाई जाए, इसको कोई साफ सफाई रखी जाए, यहाँ से गंदगी बिल्कुल एकदम साफ करी जाए। मेरी तो टैरों की दुकान सामने, तो दुकान सामने टैरों की दिक्कत है। ये गंदगी है, बरसात होती है तो बदबू आती है, वो आते हैं तो फिर 10-15 दिन उठा के फिर चले जाते हैं, फिर गंदगी फिर इकट्ठी हो जाती है। आज भी सबको प्रभावित हो रहा, सब प्रभावित, जो आने जाने हैं, जो यहाँ मुकेश कॉलोनी से ज्वाइंट है, वो सब परेशान है सर। और इसको बिल्कुल हटा दिया जाए, बिल्कुल साफ सफाई कर दिया, इसमें टैल बिछाई जाए, जो भी साफ सफाई होनी चाहिए। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।